देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कुकु जी जी हम ये सोच रहे थे आज राम जी की कृपा से इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर से टली है, और वो भी सोचो रामनवमी वाले दिन। तो हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग लड्डू बनवा के 100 गरीबों में बांट दें। अरे बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये करते हैं। ए मोहिनी जी, हम सोच रहे थे ना रामनवमी के मौके पर 100 लड्डू गरीबों में बंटवा देते, तुम बना दोगी? मैं और लड्डू बनाऊंगी, वो भी 100 लोगों के लिए। माय फुट जी जी, वो लड्डू तो मैं बना देती पर खींचा था नहीं, मैं ना मेरे हाथ का मसल पुल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। तो कोई बात नहीं जी, बना पाऊंगी सर। लड्डू हम बना देंगे, लड्डू हम बना देंगे, हम सारे मिलके बना लेंगे। और पता है जी जी, आज के दिन ना हमारे पास एक खुशखबरी भी है, और हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमसे एक बात बताई कि मार्केट में एक दवाई आई है जो अम्मा जैसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। मतलब अम्मा पूरी तरह से ठीक नहीं होंगी, लेकिन उनके गले की जो नस है ना जिससे आवाज नहीं आती वो रिलैक्स हो जाएगी, फिर वो बात कर पाएंगी, बोल पाएंगी, बता पाएंगी कि उनके साथ क्या हुआ, किसने किया। नहीं हो सकता ऐसा, कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हुआ है भाई, हमारे पास तो आर्टिकल भी है। बेटा आर्टिकल है ना तुम्हारे पास, दिखाओ। फिर हमने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। दिखाओ मुझे भी भेजना ही आर्टिकल, इंटरेस्टिंग। खुशी की बात है, इससे बड़ी बैड न्यूज और हो ही नहीं सकती थी मेरे लिए। मैं तो उस बुढ़िया को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही हूँ, और यहाँ उसके ठीक होने की प्लानिंग चल रही है। बुढ़िया ठीक हो गई तो अक्षय के सामने बक देगी कि मैं उसे इंजेक्शन लगा रही थी, और ये भी कि मैंने इसे मारने का अटेम्प्ट किया था। नो 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 नो, मुझे जो करना है आज रात ही करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वैसे तो अम्मा के कमरे में आशा रहेगी, लेकिन फिर भी हमें इस मोहिनी को लड्डू बनाने में ना बिजी रखना होगा, ताकि इसे अम्मा के कमरे में जाने का टाइम ही ना मिले। हम तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे मोहिनी, बहुत जल्द, बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। आज इतनी हवा क्यों चल रही है? लगता है तूफान आने वाला है। अब करना क्या है? यार लड्डू बनाना है, ऐसे हाथों से बस ऐसे करके दबाओ और बनाओ। बड़े बड़े लड्डू बनाना। तुम चाहे कुछ भी कर लो अपराजिता, राज मुझे उस बुढ़िया को ऊपर भेजने से नहीं रोक पाओगी। जी, थक गई हूँ लड्डू बना बना के, थोड़ा रेस्ट करा। आओ। पर जल्दी आना मोहिनी। हाँ अभी गई और अभी आई। ठीक है,
मम्मा लड्डू, मुझे भी लड्डू बनाना है। बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम जाकर दादी के पास बैठो। मम्मा मैं बहुत बोर हो गई थी दादी के पास बैठे बैठे, मैं अभी थोड़े लड्डू बना के चली जाऊंगी। लड्डू हम बना रहे हैं ना, तुम जाके दादी के पास बैठो। मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी पक्का, मैं थोड़े से लड्डू बना लूं। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कैसे समझाएं इस लड़की को अब हम? ये मोहिनी हम सबके यहाँ होने का फायदा उठाकर अम्मा के कमरे में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी देर पहले वो आशा गई तो मैं आ गया था। आज की रात मेरी सारी प्रॉब्लम्स की आखिरी रात होगी और उस बुढ़िया की लाइफ की भी। जिस अम्मा का बहाना बनाकर अक्षय मेरे साथ दुबई जाने से बच रहा था, आज मैं उसे इस दुनिया से फ्री कर दूंगी। और अपना सपना पूरा करूंगी। अगर आप यहां बैठे हैं ना, जब तक आशा आती नहीं आप यहां से जाइएगा नहीं, बस यहीं रहिएगा। अपराजिता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अपराजिता तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई बात है अम्मा से रिलेटेड जो तुम मुझे बता नहीं रही? क्या फायदा आपको बताकर, आप यकीन तो करेंगे नहीं। माना कि अम्मा आपकी माँ है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। उनकी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम पूरी तरह से निभाएंगे। क्या बोले जा रहे हो? तुम जानती हो ना माँ मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी माँ है तो ये सब ड्रामा बनकर मुझे बताओ हुआ क्या है अपराजिता? Is there something wrong जो तुम मुझसे छिपा रही हो? मोहिनी का सच, हम आपको मोहिनी का सच बताना चाहते हैं। केवड़ा, दुबई का फेमस सेंट है केवड़ा फ्लेवर, लड्डू में डालने के लिए, उससे फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। या लड्डू मुझसे नहीं बनेंगे, काम से पा ही नहीं रहा है। हम में से ना सबसे बेस्ट लड्डू बुआ के बने, शेप में भी एकदम राउंड है और साइज में भी एकदम परफेक्ट। पता है इस घर में कोई और भी है जो तुम्हारी बुआ से भी ज्यादा अच्छे लड्डू बना सकता है। जीजी कौन बताओ? कुकू, इधर आओ। सबको दिखाओ तुम कितने अच्छे गोल गोल लड्डू बनाते हो। अरे नहीं जीजी, आप लोग बनाइए ना लड्डू, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, आप बनाइए। कुकू बस आओ चुपचाप, बना के बताओ बच्चों को। अब देखना कमाल। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। इतने सालों से ये टैलेंट कहां छुपा के रखा था तुमने?
अरे निया आओ, कम बेटा कम, सिट हियर, सिट। पापा, आपको लड्डू बनाना किसने सिखाया? अम्मा ने। बचपन में ना अम्मा लड्डू जब बनाती थी ना, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाया करता था और देखता था, उनको ऑब्जर्व करता था कैसे बनाती, क्या करती। एक्सपर्ट है ना अम्मा तो लड्डू बनाने में। रियली विश मेरे हाथ के लड्डू अम्मा खा पाती। रोटी गोदी तो खाती और कितना खुश होती, क्योंकि मैं वाकई एक्सपर्ट हूं। लेट्स बिगिन। लाओ। हो जाएंगे अम्मा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि कल का सूरज हमारी जिंदगी में कुछ चमत्कार लेकर आएगा। वो सुबह कभी नहीं आएगी अपराजिता। 15 सालों में तो हमने भी दादी को लड्डू बनाते हुए नहीं देखा। 15 सालों से अम्मा ने लड्डू बनाया ही नहीं, उन्होंने लड्डू बनाने ही छोड़ दिए। ये तो परफेक्ट है, अब बनाते हैं मैजिकल लड्डू अम्मा वाले। परफेक्ट राउंड। वाह पापा, ऐसे लड्डू तो हमने शॉप में भी नहीं देखे, इतने परफेक्ट। पापा आपने बिना देखे कैसे बना लिया ये? जेनेटिक्स। ये टैलेंट अम्मा से मुझ में आया है, लेकिन मैं तुम लोगों को ये टैलेंट दे नहीं सकता हूं, उसके लिए तो अम्मा ही चाहिए यार। अगर अम्मा ठीक होती ना तो तुम सबको सिखाती ऐसे परफेक्ट राउंड लड्डू कैसे बनते हैं। आई रियली विश अम्मा जल्दी ठीक हो जाए। डोंट वरी डैड, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखना दादी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, और देखना फिर ना वो अपने हाथों से हमें लड्डू बनाना सिखाएंगी। I really miss दादी। दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। सॉरी डैड, सॉरी मॉम, मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, तो यू गाइस कैरी ऑन, मैं सोने जा रही हूँ। निया, वो शुभ वाला जो वीडियो तुम मुझे दिखा रही थी, तुमने बुआ को नहीं दिखाया ना? अरे जीजी, निया के पास ना शुभ का बहुत अच्छा वीडियो है, आपको देखना चाहिए। दिखाओ बेटा शुभ का वीडियो। मुझे अभी दिखाओ। तुम लोग लड्डू बनाओ, मैं वीडियो देख कर आती हूँ शुभ का। चल, क्या कर रहा है, बदमाशी तो नहीं कर रहा उसमें? निया और जीजी को तो वीडियो दिखाने के बहाने मैंने बिजी कर दिया है, और वो दोनों अम्मा के रूम में आने से रहे। बस किसी तरह इन सबको लड्डू खिलाकर बेहोश कर दूं,
फिर करूंगी जो करना है। लड्डू तो बहुत सारे खाए होंगे अलग अलग तरीके के, पर दुबई के स्पेशल इलायची पाउडर वाले लड्डू आई एम श्योर तुमने नहीं खाए होंगे। और सबसे पहले लड्डू बेहद बनता है उस इंसान का जिसने कल हमारे परिवार की जान बचाई। अप्पू मुंह मीठा करो। हमें लगता है कि तुम्हें पहले ना अक्षय का मुंह मीठा करवाना चाहिए, क्योंकि इस परिवार को बचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। चलो पहले अक्षय का ही मुंह मीठा कर लेते हैं। अरे वाह बढ़िया, लो आप तो खाओ। अब जीजी को खिलाओ। अरे बाबा जीजी भी खा लेंगी, आई प्रॉमिस उन्हें भी खिलाऊंगी। तुम तो कर लो मुंह मीठा। बच्चों तुम लोग क्यों देख रहे हो, ये लो 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 लो। आशा बेटा आओ तुम भी आके लड्डू खा लो, फिर जाके दादी के साथ बैठ जाना। कम खाओ खाओ। बहुत बढ़िया है। अम्मा अम्मा ये क्या, मरने से पहले ही अपने आंखें बंद कर ली। अरे अम्मा उठो ना, खोलो आंखें। अम्मा आंखें खोलो खोलो खोलो। आपने तो आंखें खोल ली। ये क्या अम्मा, आप तो सच में डर गई। अरे चिंता मत कीजिए, बड़े प्यार से लगाऊंगी मैं आपको इंजेक्शन, जरा दर्द नहीं होगा, प्रॉमिस।
कि आप मन में ही राम राम करते करते सीधा अपने राम जी के पास पहुंच जाएगी। आई प्रॉमिस। अरे वाह, आपकी स्मार्ट बहू ने स्मार्ट वॉच पहनाई आपको। बट सॉरी, आज आपको बचाने आपकी बहू नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो तो मेरे हाथ के लड्डू खा के बेहोश पड़ी है, राइट? अच्छा सुनिए ना, आपकी कोई आखिरी इच्छा है? है तो उसे अपने मन में ही रखिएगा, हाँ, क्योंकि मुझे उसे पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हुँ? आपकी बहू बन के अच्छा लगा, अभी जाने का टाइम आ गया। हाँ ओके बाय। सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ कोई और भी है।